students, real numbers, chapter 1 in mathematics, real number, class 10, CBSE. ठीक है, तो real number का जो basic concept है, इससे पहले lecture में हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है ना, कि उसका basic concept क्या है. ठीक है, तो इससे पहले जो real number का basic concept जो है, उसके ऊपर एक lecture हुआ है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रियल नंबर एग्जैक्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन सा नंबर आता है. ठीक है, तो आज जो है सब टॉपिक रियल नंबर्स का जो है सब टॉपिक क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स जो क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम्स जो होता है, एल्गोरिथम्स क्या है, एक तरह से क्या प्रोसेस है. ठीक है, कैसे हम जो है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं. ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स फर्स्ट क्या है, एल्गोरिथम इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, मीन्स वेल डिफाइंड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है ना, जो पूरा डिफाइन करता हो. ठीक है, उस व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका एक प्रोसीजर देता है, बोलता हूं कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सेकंड लेमा, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, मींस जस्ट प्रूव, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रूफ, उस स्टेटमेंट को अनदर वे से क्या करना है, प्रूफ करना है. ठीक है, सेकेंड क्या है, नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिकी होल नंबर्स क्यू एंड आर. है इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिकी होल नंबर्स क्यू एंड R. ठीक है, यहाँ पे Q एंड R. ठीक है, अब Q एंड R क्या है, ठीक है, Q क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन, एंड R क्या होता है, रिमाइंडर होता है. A एंड B जो है, A एंड B क्या कहलाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबसे मेन चीज क्या है, A एंड B इंटीजर्स है, A एंड B क्या है, इंटीजर्स है. ठीक है, तो A इज हियर डिपेंडेंट एंड B इज डिविजर, Q इज क्वेश्चन, एंड R इज रिमाइंडर. ठीक है, तो क्या होता है, सच डेट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, बी क्या है, बी क्या है, डिविजर है, क्या है, डिविजर, क्यू क्या है, क्वेश्चन प्लस आर, आर क्या है, रिमाइंडर है, ए इज डिपेंडेंट. ओके, हेयर जीरो लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी नॉट. Euclid's divisions algorithms technique is used to compute the HCF, means HCF of two given integers, means two given integers theirs and find the HCF. Second, in the given conditions A is equal to BQ plus R, here A is equal to BQ plus R, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ. ठीक है, we consider A as dividend, B as divisors, Q as quotient, and R as remainder. Third, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Means, जो पहले मैंने बता दिया था, ठीक है ना, क्या है dividend A और divisor B and quotient Q plus R is remainder. ठीक है, means A is equal to B into Q plus आर. फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमैटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक्स, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक्स, एवरी कंपोजिट नंबर्स, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिकी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स occurs. Okay, this is fundamental theorem of arithmetics. Do you know क्या आप जानते हो यहाँ पर कि क्या होता है, नंबर सिस्टम जो है, ठीक है ना, कौन कौन से नंबर सिस्टम, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर. ठीक है, तो इवन नंबर, ठीक है, ऑन इंटीजर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय टू
is called an even number. Okay, what is even number? An integer which is divisible by 2 is called an even number. Examples 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 dot dot dot. Okay, second odd number, an integer which is not divisible by 2 is called an odd number. Example plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 dot dot dot. Third prime number, a natural number greater than 1 and divisible by 1 and by itself only is called a prime number. Means prime number, a natural number greater than 1 and divisible by 1 and by itself only is called a prime number. You know students, natural number, natural number starting from 1, natural number starting from 1 means counting number, okay, is called natural number. Then here not 1, in prime number having here a natural number greater than 1, greater than 1 means not 1, greater than 1 and divisible by 1 and by itself only is called a prime number. Example 2, 3, 5, 7, 11. Okay, 2, 3, 5, 7, 11. Just here means 1. Here 1, natural number greater than 1 is 2, 3, 5, 7, 11, dot dot. Fourth, composite number. Composite number or natural number except 1 which is not prime is called a composite number. Example 4, 6, 8, 9, 10, dot dot, etc. Okay. Fifth, co-prime numbers. Co-prime numbers, if two numbers do not have factors other than one common, then they are called co-prime numbers. Example 6 and 25, 15 and 21. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सब टॉपिक जो था Euclid's division algorithms, ठीक है, यहाँ पे फिनिश हो गया. ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आता है. ठीक है, जो रियल नंबर का जो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो था एक सब टॉपिक Euclid's division algorithms, जो हम प्रोसेस है फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका एक्सरसाइज देखेंगे, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 1.1. ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है.